जहां एक ओर सरकार गरीबों के लिए अनेक सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ कोटेदार भ्रष्टाचार कर खुलेआम योगी सरकार को चैलेंज देने का काम करते नजर आ रहे हैं। जी हां, ताजा मामला है उन्नाव जनपद के पूर्वा तहसील का, जहां एक गांव में कोटेदार खुलेआम गरीबों का हक हनन करने में लगा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयासों को खाद्यान्न माफिया तथा कोटेदार विफल करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ताजा मामला पूर्वा विधानसभा के बरौला गांव का है, जहां कोटेदार के द्वारा गरीबों के हकों पर सीधे डाका डाला जा रहा है। ग्रामीण उच्च अधिकारियों तथा शिकायत कर चुके हैं, ग्राम प्रधान भी कई बार शिकायत कर चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबे कोटेदार की पकड़ सत्ता के गलियारे में मजबूत होने के चलते उस पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में सबका साथ सबका विकास का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2019 में किस प्रकार सफलता मिलती, यह तो बाद की बात है। लेकिन यह कोटेदार ठेकेदार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के स्वप्न में आटा डालने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार कोटेदार घटतौली के आरोप में पूर्व में भी निलंबित हो चुका है, लेकिन जहां धन की दुर्विंशति अधिकारियों के बीच में कोटेदार करता है, तो उसे सत्यवादी हरिशन का तमगा पकड़ा करके अधिकारी कोटेदार को पुनः बहाल कर देते हैं। ग्रामीण की शिकायत रद्दी की टोकरी में चली जाती है और भ्रष्टाचार के विकट दानव अपना पेट भरने में पुनः मशगूल हो जाते हैं। वहीं जब जिला पूर्ति अधिकारी से बात करने पर उन्होंने जांच करने की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। देखने वाली बात यह है, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर पैनी निगाह रखने वाले योगी आदित्यनाथ क्या खदान माफिया व कोटेदारों पर नकेल कसने में कामयाब होते हैं, या पिछली सरकारों की तरह यह भी ढाक के तीन पात सिद्ध होते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। सुमन देवी, ये बताइए क्या मामला है राशन को लेकर के, क्या समस्याएं हैं? अरे समस्या का बता रहा कि बीपी सिस्टम तुम्हारा नाम नहीं है और आपको राशन नहीं देंगे, जब ऊपर से आएगा आदेश तब ही देंगे, और क्या गरीब लोग क्या करें बताओ। अच्छा, क्या तेल का क्या सिस्टम है, मिलता है? अरे अभी तक तो 2 लीटर मिलता रहा, वो हम यहाँ 1 लीटर मिलता, वह 25 रुपया 1 लीटर 25 रुपया दे रहे। समय पर राशन मिलता है? समय है कौन, दूसरे महीना कौन, तीसरे महीना समय पर राशन नहीं दे रहा, की कहूँगा कौन है कोटेदार? अरे दो आए हैं, हाँ बिटाना देवी। का नाम है आपका? हमका गंगा देवी। गंगा देवी जी, ये बताइए कि राशन मिलता है? नहीं। तेल मिलता है? खाली तेल मिला था, वहाँ 25 रुपया देने की 1 लीटर। कहूँ शिकायत वगैरह किया? नहीं। क्यों? हम नहीं कहूँ कि बहुत नहीं जानते। क्या नाम है? श्री राम साहू, गांव बरूला। अच्छा, कोटे को लेकर के क्या मामला चल रहा है, राशन वाशन मिलता है? राशन एक साल से 1.5 साल तक नहीं मिल रहा, राशन बराबर नहीं बांट रहे हैं कोटेदार। अच्छा, तेल 25 रुपया लीटर दे रहे हैं, शिकायत करने पर मार देने की धमकी दे रहे हैं। किसको मार देने की धमकी? हमको दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते शिकायत करें तो उनको मारेंगे। अच्छा, कोटे में राशन नहीं मिल रहा है, इसकी शिकायत कहीं किया? SDM कोर्ट में किया है, बिला खिलौली में किया है। एक बार दोषी कोटेदार पाए गए हैं 2 साल पहले, फिर जो कोटा इनके नाम आ गया। कई बार शिकायत किया हमने। क्या कहना चाहेंगे कोटेदार के क्रियाकलापों पर? कोटेदार तो यही कहता है कि जो है सूची में नाम है पूरे 500 कुछ 66 कितने नाम है, ठीक है, आधे लोगों का राशन दे रहा, आधे लोगों दे रहा, सूची में नाम है फिर भी नहीं दे रहा। अच्छा, आपका पद बता सकते हैं इस ग्राम सभा में क्या है? इस ग्राम सभा में आपका पद क्या है, बता सकते हैं? पद प्रधान है हम। अच्छा, ग्राम प्रधान।
राशन नहीं मिलने पर कहीं किसी से शिकायत किया इस बात की कि राशन क्यों नहीं समय पर दिया? अरे हम कोटेदार है, शिकायत करें तो कोटेदार यह बात बतावत है, फिर जनता तो बतावा, जनता यहाँ तक चिल्ला के बस यही गांव में रह जाते, कहूँ जाती ही नहीं। अब अकेले हम जाएंगे तो जाए कहेंगे प्रधान जी आपको घुस नहीं मिलती है इसलिए आप शिकायत करने आए हो, इसलिए हम जाते नहीं अकेले। नहीं, ग्राम प्रधान की हैसियत से आपके ऊपर आरोप कोटेदार लगाता है कि आपको घूस नहीं मिलता है? नहीं, कोटेदार नहीं लगाता, वहाँ जैसे अधिकारी हुआ पर जाओ पुरवा में यहाँ तो यही कहते हैं आप अकेले आपको कुछ मिलता नहीं होगा इसलिए कोटेदार की बुराई करने आए, और जनता 10-20 हमारे साथ 50 जाए तो कुछ सुनवाई हुए। नहीं, आप ग्राम प्रधान का चुनाव जीते हैं, 10-20-50 आदमी, तो क्या मेरा मानना पूरी ग्राम सभा आपके साथ होगी? ऐसे में शिकायत करता है जो लोगन का मिलता वो ना जाए, कम से कम जो जिसको नहीं मिला वो तो हमारे साथ चले। अब कार्यवाही के रूप में सरकारी तंत्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब साहब यही देख लियो आप, क्या अपील क्या करना चाह रहे हैं? अपील यही करना चाह रहे हैं कि जो जिनको जिनका जिनका सूची में नाम है उनको राशन मिलना चाहिए, यही हमारी अपील है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गंगा सागर। कोटा किसके नाम है? बिटानी देवी। बिटानी देवी, कब से अलर्ट है? अलर्ट सर डेट नहीं लेकिन 12-13 साल हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ APL BPL अंत्योदय की क्या स्थिति है, कितने कार्ड धारक होंगे? अंत्योदय है 39। पात्र गृहस्थी? 369। क्या मानक है इनका वितरण का? एक यूनिट में 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल। इसके पूर्व में क्या कोटा निलंबित भी हुआ था? जी हाँ। किस बात को लेकर के हुआ था? ये वही रेट वेट के चक्कर था, पहले 9M तभी हुआ था। रेट कम लेते थे कि ज़्यादा लेते थे? अरे एक आध 54-58 तो छुट्टा यहाँ होती नहीं इसीलिए। जब आप गोदाम से खाद्यान्न उठाते हैं तो आपको कितना रसद मिलता है, कई किलो की बोरी मिलती है? वो 50 किलो की बोरी नहीं होती सर, वहाँ 52 किलो की लगाई जाती है, एवरेज से तौल के भी दिया जाता है, एवरेज से भी दिया जाता है। सारी बोरियाँ तोली जाती हैं कि एक बोरी तोली जाती है? नहीं, सारी बोरी तोली जाती है। कांटा सारी बोरियों का होता है, परखी लगती है जी। पल्लेदारी का कितना पड़ता है? 7 रुपये कुंटल। कमीशन कितना मिलता है? कमीशन हमको सर मिलता है 70 रुपये कमीशन। कितना? 70 रुपये कुंटल है हमको सर। ठीक, जानकारी के लिए धन्यवाद। मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, जब मामला संज्ञान में आ गया तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। न्यूज के लिए उन्नाव से प्रभा भाजपाई के साथ पवन सिंह की रिपोर्ट।